नमस्कार। आज मैं खड़ा हूँ अमृतसर में और आप मेरे पीछे एक बड़ा सा थोड़ा पुराना बोर्ड दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। और लाइक अ टिपिकल ओल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये कॉलेज आज़ादी से पहले का है। जी हाँ, 1944 में ये से बनाया गया था। तो जहाँ हम बात करते हैं काफ़ी कॉलेजेस जो साल दो साल पहले खुले हैं, ये कॉलेज तो अब तकरीबन 80 साल पुराना है। और जब मैं अंदर गया पूरा चक्कर काट के आया, पर देखिए भाई सरकारी कॉलेज था, तो जो मेरा रहता ही है कि मैंने ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती है, देखिए वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा समय लगाया। और मैं आपको बाहर से दिखा पाऊँगा, देखिए ये अगर आपको ऐसे दिखेगा ना, ऐसे ये जो आपको लाल बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये पूरा इस तरफ कॉलेज की एंट्री थी जहाँ से मैं घुसा था। और इस तरह से बहुत सारे 12 के करीब गेट हैं चारों तरफ से, जो बड़ी सी बाउंड्री वॉल आपको दिखेगी। और देखिए हर बंदा, आप चाहेंगे कि मैं आपको अंदर से दिखाऊं, पर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत परमिशन चाहिए होती है, उतना समय मेरे पास नहीं होता। तो फिर से मैं तो अमृतसर घूमने आया था और मैंने कहा चलो अपने फैमिली को छोड़ के एक दो घंटा यहाँ लगा के आता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं मेरे जो लास्ट ईयर जो एडमिशन लिया, उनसे बात की मैंने। और देखिए जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी, एक तो इसी गेट के पास जिस गेट पे मैं खड़ा था, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मेन गेट आता है, यहीं से प्रिंसिपल ऑफिस भी अंदर आता है। एक बहुत जैसे एक ऑफिशियली क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा ग्राउंड था, बिल्कुल साफ मेंटेन, उसके अंदर मुझे पिच भी नज़र आई और रोलर भी नज़र आया, विच मीन्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेडिकल कॉलेज, एक फुल फ्लेज क्रिकेट ग्राउंड है इनके पास, जहाँ पर जैसा मैंने कहा फुल साइज़ का क्रिकेट ग्राउंड था। पूरी कैंपस में मुझे कभी भी कोई हाई राइज बिल्डिंग नज़र नहीं आई। तो शायद वही जो कॉलोनियल हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। जी हाँ, सिर्फ ये दो फ्लोर बने हुए हैं मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग्स। और शायद इन्होंने वो हेरिटेज आज ही मेंटेन की। जैसे अब अंदर घुसा मैं यहाँ पर, तो रैदर देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इट वॉज रिटन ग्लेंसी मेडिकल कॉलेज। उस ज़माने में 1944 में जब ये बनाया गया था, तो शायद इसका नाम ग्लेंसी मेडिकल कॉलेज था। उस नाम को भी अभी तक मेंटेन किया गया है। और फिर अंदर मुझे बहुत अच्छा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाया गया, कैफेज़। पर देखिए जो ये भाई मैं कहता हूँ, चाहे वो मौलाना आज़ाद आप दिल्ली का देखें, लेडी हार्डिंग देखें, मतलब दे आर लाइक अपने आप में एक अंदर शहर होता है। अंदर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो प्रोफेसर स्टाफ्स सबको दिए जाते हैं। और देखिए बस पर वही बात है कि चूँकि 80 साल पुराना कॉलेज है, तो डेफिनेटली जो दरवाज़े वगैरह भी थे कॉलेज के क्लासरूम्स के, वो हम जो हिंदी में किवाड़ बोलते हैं ना, किवाड़ टाइप के दरवाज़े भी थे। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। तो मैं वो भी ज़रूर कहूँगा कि वो अंदर छोटा सा गुरुद्वारा भी था। और लोकेशन की मैं बात करूँ, सो देखिए अमृतसर शहर के बीचों बीच है आप ये कह सकते हो, लेकिन बीचों बीच होकर भी नहीं है इन द सेंस। एक और गुरुद्वारा मेरे लेफ्ट में आ गया, मतलब कि बीचों बीच होकर भी इसलिए नहीं है क्योंकि अमृतसर को ना मोटा मोटी दो भागों में बांट सकते हैं। एक है जिस तरफ गोल्डन टेंपल है, तो जिस तरफ गोल्डन टेंपल है इसी को अमृतसर लोग सिटी बोलते हैं, वो थोड़ा लेफ्ट में पड़ जाता है स्टेशन से, जिसे कहते हैं कि जो रेलवे लाइन जा रही है वो दो भागों में अमृतसर को बांटती है। सो जिस तरफ गोल्डन टेंपल है बहुत भीड़ रहती है। वो हो गया अपना ओल्ड अमृतसर, पुराना अमृतसर जिसे हम कह सकते हैं। और उसके हिसाब से वहाँ थोड़ी भीड़ रहती है, राइट। और तो अगर आपको वो गोल्डन टेंपल जहाँ मैं इस मंदिर से वो इस कॉलेज से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर पड़ेगा दूर, तो स्टेशन के उस तरफ, स्टेशन से ये जो कॉलेज का लोकेशन था इट वाज एग्जैक्टली 3 किलोमीटर, तो यू कैन इमेजिन। और ये मतलब ये अब जो हम कहते हैं नया अमृतसर डेवलप हुआ है, पर नए का मतलब ये नहीं है कि अभी डेवलप हुआ है, नए का मतलब ये होता है कि बहुत साल पहले डेवलप हो चुका और अब तो समझ लीजिए कि वो पॉपुलर हो गया है। मतलब जो एक नया अमृतसर हम कह सकते हैं, जहाँ पर जो सारे रिच लोग और शायद ना अमृतसर के नवजोत सिंह सिद्धू टाइप के लोग जो अमृतसर से रहते हैं, वो सब इस तरफ ही रहते हैं।
और जहाँ मैं घूम रहा हूँ यहाँ से वो जो मेन अमृतसर का हैपनिंग अमृतसर है, मतलब देयर अराउंड दीज थिंग्स। तो शायद जब भी कॉलेज बना होगा उस ज़माने में 80 साल पहले, तब तो देखिए ये बाहर की तरफ बना था, राइट। तो मैंने कहा ना कि मेन अमृतसर तो उस तरफ है स्टेशन के, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है जो खुद बहुत पुराना है। तो ये उस तरफ वाले अमृतसर में नहीं है, ये उस तरफ वाले अमृतसर में है कि जब इतनी खुली लैंड इन्हें मिल गई होगी कि जिस खुली लैंड में इतना बड़ा कैंपस बनाया गया है, जैसे मैंने कहा पूरा शहर बसाया गया जो ज़माने बसाया जाता था। देख क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉन क्वेश्चनेबल, यूजी पीजी हम क्या बातें करें, ऐसे कॉलेजेस के लिए जब हम जिक्र करते हैं एसएमएस जयपुर, यू नो उदयपुर वाला, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, तो हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर पेशेंट्स की कमी होगी या स्पेशलाइजेशन की कमी होगी। इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप भी वेबसाइट पर देखोगे इस कॉलेज की, क्योंकि आपको पता है कि मेजोरिटी यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो पंजाब के लोग होते हैं, और पंजाब के लोगों का जो क्रेज़ होता है बाहर जाने का, तो इतने स्टूडेंट्स इस कॉलेज से पास होकर कि अमेरिका में सेटल्ड हैं कि एलुमनाई एसोसिएशन होना तो बहुत बेसिक बात है। एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ अमृतसर मेडिकल कॉलेज इन नॉर्थ अमेरिका वो अलग बनी हुई है, और उसमें भी खूब सारे मेम्बर हैं। और जब मेरे पास लोग सलाह लेने आते हैं कि हाउ डू आई डिफाइन अ गुड मेडिकल कॉलेज, आई ऑलवेज से ना कि जिस मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हो, अब देखिए आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हो तो हमेशा ना एक इमोशनल अटैचमेंट रहती है कि भाई चलो अपने कॉलेज का मुंडा है, लड़की है, कुड़ी है। तो जो सीनियर डॉक्टर होंगे जो यहाँ से 20 साल पहले ग्रेजुएट करके इस समय यूएस में सेटल्ड हैं, उनके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो अक्सर वो कोशिश करते हैं उसको देने की जो कि उनके कॉलेज का हो। ये एक नेचुरल इमोशनल एंगल होता है। तो वो सारे एलुमनाई एसोसिएशंस चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात जिससे मैंने वीडियो बनाया कि पंजाब इंडिया के फ्यू स्टेट्स में से एक है जिसमें कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। जी हाँ, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। सो डेफिनेटली 85% सीटें तो यहाँ के बच्चे खा ही जाएंगे, लेकिन जो 15% ऑल इंडिया कोटा है, और ठीक है जी, जिसको पता है वो तो कोशिश करता ही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लुकिंग एट द लोकेशन, लुकिंग एट एवरीथिंग एल्स, अगर मौका मिले, अगर आप रहते हैं हरियाणा में भी, तो प्रेफर कीजिए पंजाब में आके इस कॉलेज में या पटियाला, जीएमसी पटियाला भी ऐसे ही उतना ही पुराना और उतना ही शानदार लोकेशन पे और शानदार शहर में। एंड अमृतसर हैज़ नाउ बिकम अ वेरी वाइब्रेंट सिटी। देखिए गोल्डन टेम्पल, हर रोज़ 1.5 लाख से ऊपर लोग आते हैं, तो उसकी वजह से ना इकनॉमी अमृतसर की बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कहा एक तरफ वो एरिया है होली सिटी, वाघा बॉर्डर, ये काफ़ी मुझे बच्चे अब नज़र आ रहे हैं सफ़ेद कोटों में आते हुए, क्या पता ये लोकल बच्चे हों जो कि अपने घरों से विक्रम ऑटो में आ रहे हैं। और अब आपको मेरे पीछे से चहल पहल देखिए शुरू हो गई है ना, लोग बड़ा घुस रहे हैं सफ़ेद कोट्स में, आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं। मैं उसी गेट पर दोबारा हो गया जिस गेट से मैं थोड़ी देर पहले गया था, और अब धीरे धीरे मैं डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ तो आपको नज़र आएगा वो चहल पहल जो सारी नज़र आ रही है ये अभी। और अभी मैं आपको बताऊँ घड़ी में 7:30 बजे का ही टाइम है। तो जो मुद्दे की बात आपके लोगों के लिए बता रहा था कि एक तो अमृतसर शहर इज़ ए वाइब्रेंट सिटी, अभी छोटा शहर नहीं है, तो उसमें शहर कह दूँ रहने का छोटे शहर वाला सुख है, बट फैसिलिटी की बात करूँ तो कोई भी ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है जो अमृतसर में ना हो। हम जानते हैं पंजाब जनरली इज़ ए प्रॉस्पेरस स्टेट, अमृतसर इज़ ए प्रॉस्पेरस सिटी, बट नाउ अमृतसर हैज़ बिकम अ सुपर प्रॉस्पेरस सिटी, क्योंकि अमृतसर में बहुत पैसा आता है बिकॉज ऑफ गोल्डन टेम्पल टूरिज़्म, जो कि मैंने बोला कि स्टेशन के उस तरफ है। बट जब एक इकनॉमी चलती है शहर की तो उसका प्रभाव पूरे शहर पर पड़ता है। तो पीपल जनरली हेयर आर प्रॉस्पेरस एंड रिच, तो आपको रहने ही मज़ा आएगा। कभी आप बाहर जाना चाहो, औरतें के लिए जाना चाहो, यू हैव द बेस्ट रेस्टोरेंट्स टू ईट, मूवी थिएटर्स टू वॉच मूवी, और अमृतसर अपने आप में एक अच्छी लोकेशन पे है। यहाँ से वाघा बॉर्डर तो हो गया, पर जम्मू कश्मीर, पठानकोट, देन टूवर्स डलहौजी एंड ऑल दैट, सब एक डे टूर या 2 दिन का टूर आप बना सकते हो, वीकेंड टूर आप बहुत अच्छे अच्छे कर सकते हो। जैसे मैं बोला पंजाब में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, तो जो भी ऑल इंडिया का बच्चा पंजाब में एडमिशन लेता है कोई सर्विस बॉन्ड का झंझट नहीं है, आप पढ़ाई ख़त्म करो तुरंत आप अपने अगले काम में जा सकते हो, कोई आपको रूरल सर्विस 1 साल 2 साल 10 लाख 5 लाख देने की ज़रूरत नहीं है।
और पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज में NRI सीट्स भी होती हैं, आप जानते ही हो, बट पंजाब एज ए स्टेट में NRI स्पॉन्सर सीट नहीं होती, प्योर NRI होना चाहिए बच्चा, तो NRI स्पॉन्सर नहीं चलता। तो इफ़ यू समबडी इज एन NRI, आप पंजाब के प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल एज पंजाब के सरकारी कॉलेजों में भी आ सकते हो। सो ये छोटा सा मेरा आपके लिए था, GMC अमृतसर ग्रेट कॉलेज, और इसी गेट से जब आप घुसते हो तो आपको वो क्रिकेट स्टेडियम भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे। और जैसा मैंने कहा, चलो हाँ, एक फाइनल टिप जो मैं भूल गया, सॉरी, MBBS मैं बोलूँगा 2026 के लिए। सो देखिए, पंजाब एक क्लोज स्टेट है, पंजाब के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए दो तरह की फ़ीस होती है, एक स्टेट कोटा लगता है 4 लाख रुपए का, एक 10 लाख की फ़ीस होती है मैनेजमेंट सीट हर कॉलेज में। अब मैं बात करूँ पंजाब के प्राइवेट कॉलेजेस, DMC लुधियाना, PIMS जलंधर, आदेश बठिंडा, या अमृतसर में या गुरु रामदास, जिसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अब पंजाब का भी डोमिसाइल मिलना बहुत आसान है फ़िलहाल जो रूल है। देखिए, एक साल पहले मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आपके पास 5 साल पुरानी पंजाब में प्रॉपर्टी है तो आपको डोमिसाइल मिल जाता है। अब रूल चेंज हो चुके हैं, अब ये है कि आपके पास 11th-12th अगर आपने पंजाब से करी तो भी आपको पंजाब का डोमिसाइल मिलता है। जी हाँ, तो इस तरह एक 11th-12th दिल्ली से करके आपको पता है फ़ायदा होता है, क्योंकि दिल्ली का कोटा लग जाता है। ऐसे पंजाब में कोटा मिलने के 10-12 फैक्टर हैं, जिनमें एक फैक्टर है कि आपने 11th-12th पंजाब से करी है। अगर आपने 11th-12th पंजाब से करी है तो भी आपको पंजाब का कोटा लग जाता है, और पंजाब के प्राइवेट कॉलेज के लिए भी फ़ायदा होता है आपको। तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंडिडेट हैं और आपका बच्चा अभी 10th में है तो आप सोच सकते हैं। देखिए, अगर आप हरियाणा में हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है हरियाणा डोमिसाइल का, और हरियाणा के आपके पास बाय बस डोमिसाइल है, या यूपी का आपके पास बाय बस डोमिसाइल है, तो 11th-12th हरियाणा या यूपी में करने के बदले आप दिल्ली या पंजाब से कर सकते हैं। दिल्ली के अपने फ़ायदे हैं अगर आप रियली टॉप मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन रियली टॉप नहीं लेकर आते तो दिल्ली का मेडिकल में कुछ खास फ़ायदा नहीं होता, लेकिन पंजाब का फ़ायदा हो जाता है कि पंजाब के आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब टिप है जो लोग लंबी प्लानिंग करते हैं, 10th के बच्चे जिनके अभी हैं वो पंजाब के स्कूल में 11th-12th में एडमिशन करा सकते हैं। आपको पता ही है डमी स्कूल का रिवाज चलता है आजकल, तो आपको मिल जाएगा पंजाब के स्कूल भी, और फिर आपको पंजाब का कोटा लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये कॉलेज में भी, देखिए सरकारी कॉलेज में भी कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है 85% कोटा से, और प्राइवेट में तो भी DMC लुधियाना टाइप के कॉलेजेस हैं ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।